Hello students, let's see the options. The option is match column 1 with column 2 and identify the correct option. Column 1 दिया, column 2 दिया है. Match कर बताने कि कौन सा option में correct match है. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे natural terrestrial ecosystem. तो ये जो ecosystem है, ecosystem को हम divide कर सकते हैं यहाँ पे दो group में. एक कौन सा? Terrestrial ecosystem जो कि land पे होगा and aquatic ecosystem. यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम देखें कौन सा आएगा, जैसे कि फॉरेस्ट, देन डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये कौन से हैं? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है. एक्वेटिक में अगर हम देखें ओशियन हुआ, रिवर, देन पॉन्ड्स, लेक्स, then estuary, then wetland. तो ये सब क्या हुए? ये aquatic वाले हैं. इसके अलावा अगर हम देखें man-made भी होगा. इसमें अगर हम देखें इनमें जो man-made है, ये वाले कौन से natural वाले हैं? man-made का example अगर हम देखें तो terrestrial में man-made कौन सा है? जो crop field है, crop field जो agriculture में हम जो field बना रहे हैं, ये crop field, ये मैनमेड वाला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और मैनमेड वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें, जैसे कि एक्वेरियम हुआ, एक्वेरियम. तो अगर हम देखें नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओशन की अगर हम बात करें तो ओशन तो नहीं होगा यहाँ पे. ओशन हमें पता है कि नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएगा. क्रॉप फील्ड किस में आएगा? ये मैनमेड में आएगा. तो मैनमेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये तो गलत है. देन डेजर्ट अगर हम देखें तो डेजर्ट इसमें आएगा. नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा आएगा? डेजर्ट आएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर वाला कौन सा होगा? यहाँ पे ओशन एंड पॉन्ड में अगर हम देखें तो पॉन्ड वाला जो है ये कौन सा होगा? ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हुआ. एंथ्रोपोजेनिक जो मैनमेड वाला इकोसिस्टम, इनमें से अगर हम देखें तो ये जो क्रॉप फील्ड है ये क्या है? मैनमेड वाला है. देन मराइन इकोसिस्टम में अगर हम देखें कौन सा होगा? ये जो ओशन है. सो ए का क्या होना चाहिए? ए का थर्ड होना चाहिए. ए का थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें फोर्थ है तो गलत होगा, इसमें सेकंड है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए? फोर्थ. बी का फोर्थ इसमें दिया, इसमें फर्स्ट है तो ये गलत है. देन सी का क्या होना चाहिए? सेकंड. सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट. सही दिया है यहाँ पे. करेक्ट आंसर विद दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.